ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0.1% ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਬਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। आओ वीडियो शुरू करते हाँ। बीरबल जो कि एक जात का ब्राह्मण सी ते अपनी चतुराई दे करके अकबर के 9 दरबारी रत्ना विचों एक सी। बीरबल की चतुराई भरे किस्से आम प्रचलित ने। जिथे बीरबल चतुर सी उत्थे सिरे दा हंकारी ते गुरु घर दा दोखी सी। अकबर के राज समय सरहदी इलाके विच यूसुफ जाइयां ने बगावत कर दिती। उन्होंने शांत करने के लिए अकबर ने अपने जरनैल जैन खां नूं भेजिया पर जैन खां कामयाब ना हो सकिया। फिर बाद विच बादशाह ने उसकी सहायता लई बीरबल नूं भेजिया। बीरबल ने चलण तो पहला बादशाह दे कोलों ब्राह्मण होण दे नाते सारे खतरियां तो टैक्स वसूलण दा खास अधिकार लै लिया। बादशाह ने हुक्म दे दिता कि आगरे तो चलदा होया सारे रास्ते विच टैक्स इकट्ठा करता जावे। जदों ब्यास लंघ के अमृतसर शहर पहुंचया ते खत्तरी परिवारां तो टैक्स मंगया तां सिखां ने कहा असीं खत्तरी नहीं असीं गुरु दे सिख हां, बाकी तुसीं गुरु अर्जन देव जी नाल गल करो। हंकारे होए बीरबल ने गुरु साहब जी नूं हुक्म भेजिया कि मैं ब्राह्मण हां तुसीं खत्तरी, मैं बादशाह तो हर खत्तरी दे घरों टैक्स वसूल करन दा अधिकार लैके आया, तुसीं अपने सिखा समेत टैक्स भरो। गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा यह धन गुरु नानक साहब दा घर है, इत्थे वरण वंड जात पात नहीं चलदी, इसे करके खत्तरी टैक्स साडे ते लागू नहीं हुंदा ते ना ही तुहाडे ब्राह्मण होण दा सानू कोई फर्क पैंदा। गुरु घर सब लई बराबर है, संगत दी सेवा ते सिखां दे दसवंध नाल लंगर चलदा है, तुसीं चाहो तो प्रशादा छको, तुहाडी फौज प्रशादा छके, पर टैक्स असीं नहीं भरांगे। बीरबल दे मन विच गुरु घर दे प्रति ईरखा पहला ही बहुत सी क्योंकि गुरु साहब जी जात पात वरण वंड ते बपरवादी दे संगलां नूं तोड़दे सी। दूसरी गल कई बार ब्राह्मणा ने जाके बीरबल कोल गुरु साहब विरुद्ध शिकायतां कीतियां सन कि तुसीं एडे वड्डे अहुदे ते हो, इस खतरे दा कोई हल करो नहीं तो आने वाला समा कोई चंगा नहीं होवेगा। गुरु अर्जन देव जी का जवाब सुन के बीरबल दे अंदर भरिया हुआ जहर उछल पिया। हंकारे हुए ब्राह्मण ने गुरु साहब जी नूं जवाब भेजिया हुण तां मैनूं छेती है, मैं अगे जा रहा पर वापस मुड़दा होया मैं तुहानूं दसांगा कि तुसीं खत्तरी हो जां सिख, इह तुहाडी झूठी दी दुकान मैं बंद करवा के ही वापस जावांगा। इसे तरह धमकी दे के बीरबल अगे तुर गया। सिखा ने कहा सतगुरु जीओ यह हंकारिया होया ब्राह्मण राज का अभिमानी नुकसान करेगा। गुरु अर्जन देव जी ने कहा गुरु नानक दे घर नाल कहण वाला कदे सुखी नहीं रहिंदा, यह नुकसान ते तां करेगा जे वापस मोड़ेगा। गुरु साहब जी दे बोलां दी किरपा अते भाणा अकाल दा वरत गया। सरहदी इलाके विच यूसुफ जइयां दे नाल लड़दा होया 1586 विच बीरबल मारिया गया। कदे भी वह वापस ना मुड़ सकिया। बीरबल बारे असीं कुछ 2-4 गल्लां सुनियां ने पर आ करतूतां बहुत घट लोकां ने सुनियां होणगियां। फैसला असी करना है कि साडे बच्चों के हीरो कौन होणगे, बीरबल वर्गे या फिर साडे कौमी योद्धे जिन्होंने अपना सिर धड़ कौम के लिखे ला दिता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।